किशोर का हित सर्वोपरि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में सीएए कानून के लिए कर रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में नॉर्थ बंगाल के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी में भाजपा द्वारा सीएए समर्थन के लिए जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को खास बनाने के लिए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट की भूमिका बेहद अहम रही। राजू बिष्ट ने अगुवाई करते हुए इस शानदार रैली को बेहद लोकप्रिय बनाया। 50,000 की उम्मीद कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर ये रही कि सीएए कानून को लेकर जो अभी तक भ्रामकता फैल रही है पहाड़ एवं तराई द्वार के इलाकों में, वहां पर लगभग समर्थक एवं कार्यकर्ता मिलाकर 1,00,000 की तादाद में वहां रैली में सम्मिलित हुए। केंद्रीय आला कमान की तरफ से राजू बिष्ट को खास तौर से इस रैली के लिए तैयार किया गया एवं राजू ने अपनी भूमिका का निर्वहन बेहद शानदार तरीके से किया। राजू बिष्ट के बारे में आपको बता दें कि संसद में भी एक के बाद एक गोरखाली समाज एवं दार्जिलिंग के समूचे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ अखिल भारतीय गोरखाओं के समस्या को लगातार वह उठाते रहे हैं। इस बड़े आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नॉर्थ बंगाल में क्या है यह बता दिया है। यानी जहां से हम चले यहां तक लोग ही लोग हैं। हमने सोचा था 50,000 कार्यकर्ता और समर्थक होंगे, लेकिन यह हमने सड़क में देखा 1,00,000 से ज्यादा समर्थक और कार्यकर्ता इस सीएए के कानून के समर्थन में खड़े हुए। भारत माता के और ममता दीदी अभी बीमार है, उनको कुछ हो गया है, वो तांत्रिक की भाषा बोल रही है। छी छी छी, मैं कहना चाहता हूँ पीएमसी छी छी छी, आज ये विशाल बोली ने ये दिखा दिया है कि 2021 में भाजपा की ही सरकार बनेगी। और यहाँ की जनता की डिमांड है कि हमें बंगाल में भी मोदी जी ही चाहिए। जय श्री राम। दार्जिलिंग के सांसद होने के नाते मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इतने दूर दूर से इतनी भारी रुकावट राजवंशी आदिवासी कोच बेचे टोटो राबा गोरखा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सीए कानून बहुत अच्छा है। भारत माते की एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, अब शांति से हम अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन ये ध्यान रखना है किसी तरह की अशांति नहीं हो, किसी को चोट नहीं पहुंचे और किसी तरह की भगदड़ ना मचे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता है, हम जानते हैं हमें अनुशासन में कैसे रहना है। इस चीज का ध्यान रख करके धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से हम अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। भारत माता की माता की भारत माता की। आज के इस विशाल विशाल रैली में उपस्थित सभी मेरे देशभक्त राष्ट्रभक्त बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। कितनी बड़ी संख्या में भारत माता को वंदन करने के लिए यहाँ पर एक जो कानून भारत माता की सेवा करने के लिए भारत माँ के सपूतों के लिए हमारे जिन भाइयों को दुनिया ने प्रताड़ित करके भारत में आने को मजबूर किया उनको नागरिकता देने के लिए तैयार हुआ।